तो जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं श्री राम चरित मानस का सुंदर पाठ। सती विधात्री इंद्र देखी अमित अनूप, जय जय बेसजाद सुर ते तन अनुरूप, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्मणी और ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उनके अनुकूल रूप में उनकी शक्तियाँ भी थी। देखे जय ते रघुपति जय ते शक्ति सहित सकल सुरते ते जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जो जहाँ जितने रघुनाथ जी थे देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हुए वे भी अनेक प्रकार से सप्त रूप देखे। पूजई प्रभु देव बहु वेशा राम रूप दूसर नहीं देखा, औलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सबीता, हृदय कंपतन सत सुधी कछु नाई नैन मूंद बैठी मंगमाई। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखा बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देखी सारी सुधगुण जाती रही, वे आग मंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो की नयन उकारी, कछु न दीखते दच कुमारी, पुनि पुनि राई राम पद सीसा, चली तहां जह रह गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ राजकुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा कर वहाँ चली, जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन पर जा कवन विधि कहो सत्य सब बात, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी को किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच कहो, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।